चुम्बन गिला छक्के मारा था, पूरे ग्राउंड में शांति हुई हुई थी। भला क्यों शांति थी? क्योंकि आरसीबी का क्राउड भरा पड़ा हुआ था। लोग चाहते थे कि आरसीबी किसी तरीके से मैच जीते, लेकिन शुभमन गिल ने बंबू दिया बंबू से। क्योंकि चिन्ना स्वामी स्टेडियम ग्राउंड में मैच हो रहा था, आपको पता है बैंगलोर है, ये होम ग्राउंड है बैंगलोर का। शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ गुजरात टाइटन जीत गया, वरना विराट कोहली की सेंचुरी पे कहना शुरू कर दिया था कि गुजरात टाइटन ने आज मैच बनाया हुआ है, आरसीबी को प्लेऑफ में बचाना, इसलिए विराट कोहली की सेंचुरी करा दी। मुझे तो बहुत खुशी है कि आरसीबी हार गया, क्योंकि विराट कोहली की सेंचुरी, लोग तो क्लब लेवल पे बैक टू बैक सेंचुरी ही लगती है T20 के अंदर, यहाँ तो विराट कोहली की आप इस सेंचुरी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने साबित किया है। देखो पूरा क्राउड था, जो पूरा क्राउड था ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था शुभमन गिल को। ये वो क्राउड था जो सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। आरसीबी के घर के अंदर, आरसीबी के किले के अंदर आरसीबी को हराना इम्पॉसिबल। शुभमन गिल ने क्या किया? इम्पॉसिबल काम किया। शुभमन गिल ने बताया कि एक विराट कोहली आपके पास अभी मौजूद है, एक विराट कोहली आने वाले वक्त का शुभमन गिल है। शुभमन गिल ने विराट कोहली की 101 स्कोर की इनिंग्स के ऊपर शुभमन गिल की 104 स्कोर की इनिंग्स जो भारी पड़ गई है, और शुभमन गिल ने ये आप कह सकते हैं कि आरसीबी को आईपीएल 2023 से बाहर कर दिया है। आरसीबी का यह सफर खत्म हुआ है भाई, और ट्रॉफी के लिए आरसीबी को और आरसीबी के मेरे जैसे फैंस को एक साल और जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, शुभमन गिल और विराट कोहली के फैन तो ऑलरेडी थे, लेकिन जो शानदार पारी अब देखी उन्होंने, क्या गजब का मैच था, इसके बाद वो सुपर फैंस में तब्दील हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया वाले, पाकिस्तानी क्रिकेटर और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस कह रहे हैं। कोहली और शुभमन गिल दोनों ने जो शतक जड़े हैं, कोहली ने 101 रन और शुभमन गिल ने 104 रन बनाए, और कितनी टफ सिचुएशन थी मैं आपको बता दूं। ये मैच खेला जा रहा था बेंगलोर के ग्राउंड में, और आरसीबी का यहाँ पूरा का पूरा मतलब जत्था था, सब के सब यहाँ आरसीबी को सपोर्ट कर रहे थे। जब मैं पूरा कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिए 99.99% मैं फैन बेस की बात कर रहा हूँ, जो कि आरसीबी का था। और फिर विराट कोहली और शुभमन गिल स्टार्ट हुए, चैलेंजिंग तो मैं कहूंगा इस सिचुएशन को, काफी प्रेशर वाली और चैलेंजिंग सिचुएशन थी दोनों के लिए। जब उन्होंने स्कोर बनाना स्टार्ट किया, पहाड़ अपना खड़ा करना स्टार्ट किया, तो सन्नाटा छा गया। शुभमन गिल के सिक्सेस पर कोई मतलब चीयर करने वाला ही नहीं मिल रहा था। अब इतना अच्छा कोई खिलाड़ी खेल रहा है, लेकिन वो अगेंस्ट में खेल रहे थे, तो भैया फैंस तो बेचारे एक तरफ मुंह लटका के बैठ गए, क्योंकि जब दोनों स्टार्ट हुए तो फिर इन्होंने फिर शेर मार के ही दम लिया है। मैं कहूंगा कि आरसीबी के फैंस के जो अरमान थे, जो वो बेचारे लेके आए थे, वो सारे अरमान मैच में साइलेंस में बह गए, और ये मैच नहीं देखा जा रहा था उनसे बेचारों से। पाकिस्तान में भी आपको बता दूं कि आईपीएल बहुत ज्यादा देखा जाता है, और पाकिस्तानी भी इसे टकटकी लगाए देख रहे थे, इतने प्रेशर। अगर आरसीबी यहां क्वालीफाई करता ना करता, विराट कोहली स्कोर ना करता, तो लोगों को तो मौत ही आ गई थी कि जी विराट कोहली ने क्या किया, विराट कोहली ने तो कर दिया ना, टीम ने कर दिया एडमंटन में, बिकॉज़ शुभमन गिल की एक सेंचुरी ज्यादा भारी साबित हुई, और गुजरात टाइटंस जो है वो जीत गया। दो के आज गुजरात टाइटंस जीतता या हारता, गुजरात टाइटंस वुड हैव बीन वेयर दे वर, बट अदर देन दैट आरसीबी की पार्टी उन्होंने भरपूर खराब कर दी। सो यस, अब मैं कह दूं डिस्कशन का आगाज करते हैं, तो मैंने शुरू किया है, तो अगला जो है मेरे फ्रेंड हो गया, तो पड़ गया। तो जाहिर सी बात ऑफेंड होने वाली बात है, क्यों नहीं ऑफेंड होने वाली बात है। अभी शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ गुजरात टाइटन जीत गया, वरना विराट कोहली की सेंचुरी पे कहना शुरू कर दिया था कि गुजरात टाइटन ने आज मैच बनाया हुआ है, आरसीबी को प्लेऑफ में बचाना, इसलिए विराट कोहली की सेंचुरी करा दी। मुझे तो बहुत खुशी है कि आरसीबी हार गया, क्योंकि विराट कोहली की सेंचुरी, लोग तो क्लब लेवल पे बैक टू बैक सेंचुरी ही लगती है T20 के अंदर, यहाँ तो विराट कोहली की इस सेंचुरी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। ये तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है, अंगूर खट्टे कुछ भी भाई। देखो अगर आज विराट कोहली का कुछ ना होता ना, और फिर आरसीबी हार जाता, तो मुझे डबल दुख होता। लेकिन आज दुख तो है, लेकिन दुख के साथ मुझे थोड़ा सा जरा सुकून है कि भाई सब ये सीजन विराट कोहली का सेकंड नंबर में खत्म हुआ है, 16 साल में इंटरनेशनल करियर के अंदर है। आज आपने देख लिया ना इस मैच, इन 40 ओवरों में क्या दिखा है आपको, इंडिया की बैटिंग का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दिखा है आपको। विराट कोहली सेंचुरी मारते हुए दिखे, उसके बाद शुभमन गिल उससे भी मजेदार सेंचुरी मारते हुए दिखे, तो आपको इंडिया का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बैटिंग का टैलेंट आज 40 ओवर के अंदर दिख गया। मेरे ख्याल से आरसीबी ठीक है, अब हर्षल पटेल, मुझे तो पहले बता था कि बॉलिंग अटैक यहां तक पहुंच भी गया, तो ये तो फाफ और विराट और मैक्सवेल इन लोगों की वजह से, और मोहम्मद सिराज को एक्सटेंड की वजह से कि यहां तक पहुंच गया, वरना आज जो मैच मरवाया और जिन्होंने मैच मरवाया आपके सामने कि इन्होंने मैच मरवाया और क्यों मैच मरवाया, और कोई बहुत बड़ा डिनर भी नहीं है। लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं जब मैं हर्षल पटेल की बुराइयां करता हूं कि नहीं जी आप हर्षल पटेल ने 6 साल पहले वहां कुछ किया था, 2 साल पहले, 3 साल पहले वो आईपीएल का टॉप बॉलर बना था, वो फला बना था, वो ये बना था, वो बना था, तो छोड़ दो भाई, हमारे कोई कमेंट्स तब्दील नहीं होने वाले हर्षल पटेल के ऊपर। लेकिन मुझे खुशी और सेटिस्फेक्शन है, उसी ने 2 छक्के बैक टू बैक खाए हैं उसी, आप अगर आप 4 ओवर में 29 देख रही हैं, ठीक है 3 ओवर तो बहुत अच्छे गए। शुभमन गिल बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने साबित किया है।
देखो पूरा क्राउड था, जो पूरा क्राउड था ना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था शुभमन गिल को। ये वो क्राउड था जो सिर्फ और सिर्फ आरसीबी को सपोर्ट कर रहा था। आरसीबी के घर के अंदर, आरसीबी के किले के अंदर आरसीबी को हराना इम्पॉसिबल। शुभमन गिल ने क्या किया, इम्पॉसिबल काम किया। शुभमन गिल ने बताया कि एक एक विराट कोहली आपके पास अभी मौजूद है, एक विराट कोहली आने वाले वक्त का शुभमन गिल है। शुभमन गिल ने बताया कि शुभमन गिल आगे जाके क्या से क्या करने वाला है, पता है ना, सेंचुरी तो आपको गिनवा दूं दोबारा से, गिनना शुरू करें। एक श्रीलंका के खिलाफ इस साल के अंदर, दो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई के अंदर, एक टी20 के अंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कितनी होगी, पांच होगी, एक आईपीएल के अंदर छठी, और आज सातवीं सेंचुरी 2023 के अंदर, सातवीं सेंचुरी मारना कोई मजाक की बात है यार। बड़ा प्लेयर है वो, उसने साबित किया, दिखाया उसने कितना बड़ा प्लेयर है। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे आरसीबी की अपनी गलती है, आरसीबी की अपनी गलती है, आरसीबी ने अपनी गलतियों से वजह से कहते हैं ना ये लोग हारे हैं आज। बॉलिंग पुअर बॉलिंग, चलो फील्डिंग में तो दम लगाया, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं थी बॉलर्स की। वाइड यॉर्कर करना, वाइड यॉर्कर की प्रैक्टिस तो करो, वाइड फेंक रहे हो आप, नो बॉल फेंक रहे हो, आखिरी ओवर में भी नो बॉल फेंकते वाला, गुस्सा आ रहा है यार, गुस्सा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है गुस्सा। पूरा दो महीने सपोर्ट किया एक टीम को, अरे मैच में सपोर्ट किया है, एंड के ऊपर आके ऐसे बाहर होना, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना, ये कबूल नहीं हो रहा मुझे। अगेन बोलूंगा, ये पहली सेंचुरी होगी, ये पहली सेंचुरी होगी आईपीएल की जिसको सिर्फ और सिर्फ मुंबई वाले सपोर्ट कर रहे हैं। खुशी क्या, शुभमन गिल के सिक्सेस थे यार, ऐसा लग रहा था कोई इंसान सिचुएशंस में जहां पाकिस्तानी टीम क्रम्बल कर जाती है, ये सिचुएशन उन्होंने देखी है आईपीएल में, और फ्लो के अगेंस्ट जाकर मैच जीतना उन्हीं के ग्राउंड में, शुभमन गिल और विराट कोहली ने इसे इम्पोसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया है आपके हमारे सबके सामने। और सबसे बड़ी बात, उनके आरसीबी के पूरे फैन बेस के सामने उन्हीं की टीम को धो देना। शुभमन गिल ने छक्के पे छक्के लगाए, और जब वो छक्के लगा रहे थे, शानदार शॉट, इनफैक्ट पूरा आरसीबी का फैन बेस एकदम शांत था उन शॉट्स पर, उन छक्कों पर पूरा का पूरा फैन बेस एकदम शांत था, क्योंकि उन्हीं की टीम को धोया जा रहा था जिन्हें वो लोग सपोर्ट करने आए थे। स्टेडियम में जो आरसीबी का फैन बेस बैठा था वो बहुत ही ज्यादा उम्मीदें लगा के आया था कि यार इस बार तो फाइनल में पहुंचा देंगे। लेकिन कोहली और शुभमन गिल आज अलग ही मूड में थे। कहने को हम कह सकते हैं कि आरसीबी अपनी खराब बॉलिंग की वजह से मैच हारी, लेकिन इस मैच में एक बात जो थी वह साफ हो चुकी है कि बैट्समैन, या कहें कि क्रिकेट का जो बैट्समैन का जो टैलेंट है ना, बैटिंग का जो टैलेंट है, वो भाई डेफिनेटली गोल्डन ईरा में एंटर होने जा रहा है। ऑलरेडी मैं कहूंगा कि गोल्डन ईरा में है, गोल्डन ईरा से ही आ रहा है अपना टैलेंट, लेकिन फ्यूचर सेफ दिखाई दे रहा है मुझे इंडिया की क्रिकेट का। जब हमारे पास इतने अच्छे बैट्समैन है जैसे शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है, तब जब अच्छे बैट्समैन है हमारे पास, फिनिशर है, तो डेफिनेटली इंडिया की क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो इससे सिक्योर होता दिखाई दे रहा है। और कोहली के बाद शुभमन गिल हो सकता है अगले कोहली, तो शायद न बन पाए क्योंकि कोहली की अलग ही बात है, लेकिन शुभमन गिल अपना नाम उतना ही ऊंचा बना देंगे उसी फॉर्म के साथ जैसे आज हम कोहली को जानते हैं, ठीक वैसा ही दोबारा कोई शुभमन गिल भी शायद नहीं होगा। जैसे जैसे इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए, 2023 की बात करूं तो शुभमन गिल ने सातवीं सेंचुरी लगा दी है 2023 में। 2023 की बात कर रहा हूं मैं, 5 महीने हुए हैं और 7 सेंचुरी जड़ दी है इस खिलाड़ी ने। एक और अच्छे बैट्समैन की पहचान होती है कि वह रन तो बना ही सकता है, रन तो बहुत सारे मोस्टली बैट्समैन बना लेते हैं, लेकिन प्रेशर के अंडर खेलना, वह जो है टैलेंट में मुझे लगता है कि वो इनबिल्ट होता है खिलाड़ी में, वो शायद मुश्किल से सीखा जा सकता है, या कहूं कि सीखा ही नहीं जा सकता, बहुत सारे लोगों के लिए चीजें सीखना मुश्किल है, और यह खिलाड़ी में इनबिल्ट जो टैलेंट है, प्रेशर को हैंडल करते हुए परफॉर्मेंस देना और पूरे क्राउड को चौंका देना जहां पर कोई उन्हें चीयर नहीं कर रहा था और आरसीबी का पूरा ग्राउंड भरा पड़ा था, और फिर भाई क्या मतलब मैं कहूं, क्या सेंचुरी लगाई है, छक्के पे छक्के, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल सन्नाटा, कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, उसके बाद भी ये बंदा रुका नहीं, एक्सेप्शनल थी ये चीज। और ये देख के लग रहा है कि हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का टैलेंट है जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर खेलता दिखाई दे भी जाएगा नियर फ्यूचर में, अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज जो है ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों में ही देखी जा सकती है कि वो अंडर प्रेशर कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं, आपको पता है इंटरनेशनल टीमें ट्रैवल करती हैं, कहीं कोई टीम कहीं जा रही, कोई टीम कहीं जा रही, तो वहां पे फैन बेस उनके अलग अलग होते हैं, और उस हिसाब से आप देखें तो उस प्रेशर के अंडर एक खिलाड़ी बिना मतलब उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को इग्नोर करके, या इग्नोर तो वो चीज नहीं की जा सकती, लेकिन उसे हैंडल करते हुए अपनी परफॉर्मेंस बनाए रखना, ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों में होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी यही दिक्कत है, जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं या जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खुद इस बात को एडमिट करते हैं कि ये प्रेशर पड़ते ही रो देते हैं। पाकिस्तानी टीम है
वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। अहमदाबाद में भी ये अपना मैच खेलने से इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि वहां पे भैया बहुत बड़ा स्टेडियम है और वहां पे क्राउड जो होगा ना वो तो इनके प्रेशर से हरा देगा बिना बोल से ही। अब पाकिस्तान से भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए कितने लोग आएंगे, जब आपको पता है कि इनके शहर में जब मैच होता है 35,000 बंदे स्टेडियम में बैठ सकते हैं और वहां सिर्फ 1,500 लोग मैच देखने आते हैं, तो क्या लगता है कि उनकी टीम खेल रही होगी किसी और देश में और वो वीजा लेके टिकट लेके बॉर्डर क्रॉस करके नारे लगाने आएंगे यहाँ? मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि उनके यहाँ और इतने ज्यादा सिचुएशन टफ है, तो क्रिकेट इतनी शायद मुझे उनकी प्रायोरिटी लग नहीं रही उन वहां के लोगों की, और यही पाकिस्तानी टीम की कमजोरी है।